तो हम सभी का भी टाइटल है, हम सभी क्या है, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी। तो राजयोगी, राजयोगी जो यहाँ पर बनेगा संगम युग में, वो फिर सतयुग में बनेगा स्वराज्य, विश्व राज्य अधिकारी। तो आज पहले पेज में बाबा ने यही बताया कि राजयोगी बनने के लिए हमको तीन स्मृति, वो तीन स्मृति कौन सी रखनी है, जो टाइटल है त्रि स्मृति स्वरूप, अर्थात अपने तीन बिंदुओं का जो स्मृति है, मैं आत्मा, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो ये तीनों की स्मृति के ऊपर बाबा ने बताया। और जैसी स्मृति होगी तो क्या होगा, हमारे विकारों के रूप परिवर्तन करने की हमारे में शक्ति आएगी, हमें माया, हम माया पर, माया हम पर वार नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा जैसे जैसे माया से हमारा बचाव होगा तो हमारी सामर्थ्य स्वरूप होती जाएगी, और सामर्थ्य स्वरूप ही हमको विश्व राज्य अधिकारी बनाएगी। तो सेकंड पेज में बाबा ने पूरे विकारों को परिवर्तन करने के लिए कैसे हमको उसका रूप परिवर्तन करना है, जैसे कि हमने देखा है कि कैसे श्री कृष्ण ने सर्पों पे डांस किया, कैसे विष्णु ने सर्पों को अपनी शैया बनाई, कैसे शंकर भगवान ने सर्प को अपने गले का हार बनाया, बिच्छू को अपने कानों के कुंडल बनाए, अर्थात क्या किया उन सभी ने, कैसे गणेश जी ने चूहे को अपनी सवारी बनाई, अर्थात विकारों के ही उन रूपों को उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र बना लिए। तो इसी पर बाबा की आज की मुरली चली है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मुरली का डेट है 26/12/69, सॉरी 79, 26/12/79, 26/12/79। राजयोगी अर्थात त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप, बाप दादा आज तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं, हर एक के मस्तक पर राजयोगी अर्थात स्मृति भाव का तिलक और साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी का राज तिलक। तो क्या देखा बाबा ने, वर्तमान समय का स्मृति भाव का तिलक और भविष्य का राज्य अधिकारी का तिलक। तो बाबा दोनों तिलक साथ साथ देख रहे हैं, राजयोगी तिलक और राज तिलक, दोनों तिलक देख रहे हैं। आप सभी भी अपने दोनों तिलक को सदा देखते रहते हो, बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राजयोगी तिलक की विशेषता देख रहे हैं। स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो वही बाबा ने कहा तो हमें भी वो तीनों तिलक सदा देखते रहना है, बाप दादा सभी के मस्तक पर विशेष राजयोगी तिलक की विशेषता देख रहे हैं। विशेषता देखते हुए अंतर क्या देखा, जब बाबा सभी की विशेषता देख रहे थे तो सभी का समान तो नहीं था, तो बाबा ने पूछा बाबा ने क्या अंतर देखा, किसी राजयोगी के मस्तक पर तीन बिंदियों का तिलक है, तीन बिंदियों का तिलक है, और किसी के मस्तक पर दो बिंदियों का तिलक, और किसी के मस्तक पर सिर्फ एक बिंदी का तिलक है। तो वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष तीन स्मृतियों का तीन बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है, उन तीन स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया है। क्योंकि बाबा ने तो तीन बिंदियों का यादगार स्मृति का तिलक दिया, लेकिन बच्चे का अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिलक मिट जाता है, कभी एक होता है, कभी दो होता है, कभी तीनों होता है, तो भी सदा के लिए नहीं होता, निरंतर नहीं होता, लेकिन ये ही हम शक्तियों का यादगार है। इसलिए हमेशा शक्तियों के साथ भी क्या दिखाया जाता है, त्रिशूल दिखाया जाता है। तो वही बाबा ने कहा यह तीन स्मृतियां हैं, एक स्वयं की स्मृति, दूसरी बाप की स्मृति और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन विशेष तीन स्मृतियों में सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह तीन स्मृतियां हैं। ये नॉलेज जैसे कि एक वृक्ष है, पूरा नॉलेज एक वृक्ष है और इसका सारा सार जैसे बीज में समाया होता है,
वैसे ही बाबा ने कहा, इस नॉलेज का भी सारा सार इन तीन बिंदियों में समाया है। तो पहला बिंदी तो बीज, जिसको बाबा अभी वर्णन करते हैं, जैसे वृक्ष का पहला बीज होता है, उस बीज द्वारा पहले दो पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। तो ऐसे मुख्य बीज पाप की स्मृति, तो वृक्ष का जो बीज है वो कहा पाप की स्मृति, फिर दो पत्ते अर्थात विशेष स्मृतियां, जैसे ही बीज अंकुरित होता है तो उसे सबसे पहले जो दो पत्ते निकलते हैं, तो वही दो पत्ते विशेष रूप और दो स्मृतियां हैं। तो वो तीन स्मृतियां बाबा ने कहा, पहला तो बीज पाप की स्मृति और जो दो पत्ते निकलते हैं, तो पहला हुआ आत्मा की स्मृति और दूसरा पत्ता हुआ सारे ड्रामा की स्मृति। तो दो पत्ते अर्थात विशेष स्मृति, आत्मा की सारी नॉलेज और ड्रामा की स्पष्ट नॉलेज, इन तीन स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव के वरदानी बन जाते हैं। इन तीन स्मृतियों के आधार पर माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। तो पहला कहा स्मृति भव के अधिकारी बन जाएंगे, और दूसरा माया जीत बनेंगे, जगत जीत बन जाएंगे। तो तीनों स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है, इसलिए राजयोगी तिलक तीन स्मृतियों का अर्थात तीन बिंदी के रूप में हर एक के मस्तक पर चमकता रहे। हमें कोई स्थूल तिलक नहीं लगाना है, लेकिन यह तिलक, स्मृति का तिलक जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमें सतयुग में राजयोग राज तब हमें सतयुग में राज्य भाग का स्थूल रूप में तिलक लगेगा। तो वही बाबा ने कहा, तो यह तिलक सदा स्मृति का लगा रहे। तो इसलिए राजयोगी तिलक तीन स्मृतियों का स्मृतियों की संगम युग पर विशेषता है, और यह तीन बिंदी के रूप में हर एक के मस्तक पर चमकता है। जैसे त्रिशूल से अगर एक भाग खत्म हो जाए तो यथार्थ शस्त्र नहीं कहा जाएगा, संपूर्ण विजय की निशानी है तीन बिंदी अर्थात त्रिमूर्ति स्वरूप। लेकिन होता क्या है, एक ही समय पर तीनों स्मृति साथ साथ और स्पष्ट रहे, इसमें अंतर हो जाता है। कभी एक स्मृति रह जाती, कभी दो और कभी तीन। इसलिए सुनाया कि कोई दो बिंदी के तिलकधारी देखे और कोई एक बिंदी के तिलकधारी देखे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी देखे जो निरंतर तीन स्मृति तिलकधारी भी हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी सदा निरंतर तीन स्मृति का तिलक तो रहता ही है, लेकिन वो भी सदा रहता है और बिल्कुल निरंतर रहता है। तो वो बाबा ने कहा, और साथ साथ अमिट भी रहता है। अमिट मतलब क्या, कम ज्यादा भी नहीं होता, निरंतर भी है और सदा वही स्थिति में भी रहना। तो ये बहुत पावरफुल स्थिति बहुत कम बच्चों की बाबा ने देखी। अमिट तिलकधारी भी है अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। जब स्मृति स्वरूप हो जाते हो तो अमित तिलकधारी बन जाते हैं, नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है। अभी अभी मिटता है, अभी अभी लगता है, लेकिन संगमयुगी राजयोगियों का को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है, माया अविनाशी को विघ्न बना न सके। सबसे ज्यादा विघ्न रूप कौन बनता है, माया ही बनती है ना। तो वही बाबा ने कहा, ऐसे माया पर विजय पाओ जो माया उसको अविनाशी तिलक को विनाशी ना बना दे। ये किस लिए चाहिए, देखिए पूरा सार मुरली का यही है जो बाबा ने कहा। एक्चुअली हमें राजयोगी बनना है अभी, भविष्य योगी भविष्य राज तिलक के लिए अभी राजयोगी बनना है। तो राजयोगी बनने के लिए हमें समर्थी स्वरूप बनना पड़ेगा, और समर्थी स्वरूप के लिए क्या करना पड़ेगा, माया पर विजयी पाना पड़ेगा। माया पर विजयी बनने, कैसे विजयी बने, उसके लिए बाबा ने कहा, जो नेक्स्ट कहेंगे बाबा, जो विकारों का रूप है, जो माया के पांच तत्व, उनको परिवर्तित करना है। जो विकार हमारे लिए विघ्न बने हुए हैं उन्हें अपना सहयोगी बनाना है। जो कमजोरी बन रखी है हमारी उसे ही शस्त्र बनाकर,
हमारे निर्माण के कार्य में लगाना है। तो जब हम यह कर पाएंगे तब हमारी तीन स्मृति का तिलक निरंतर और अमिट रहेगा। तो जब वो तीन स्मृति का तिलक अर्थात त्रिशूलधारी हम बन जाएंगे तभी हम वर्तमान समय के राजयोगी बन सकते हैं। तो ये एक लाइन का सार पूरा ये आधा पेज की, ये दो पेज की मुरलिया है। तो वही बाबा ने कहा, माया अविनाशी को विनाशी बना न सकी, रोज अमृत वेले इस त्रिमूर्ति के अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। तीन स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के पांच रूप पांच दासियों के रूप में हो जाएंगे। कब? जब हम समर्थ बन जाएंगे। परिवर्तन रूप दिखाई देगा। तो वही कैसे परिवर्तन होगा उस पर बाबा ने बताया, विकारों का परिवर्तित रूप, काम विकार। तो काम विकार कैसे परिवर्तित होगा? बाबा ने कहा, काम विकार शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। काम के रूप में वार करने वाले शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा। दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाएगा। और सेकंड जो क्रोध अग्नि, तो क्रोध अग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है। हमारी ईश्वरीय संपत्ति क्या है? जो हमारी स्थिति है, जो हम मुझे आत्मा के गुण जो मुझे परमात्मा से प्राप्त हुए, जो वो शक्तियां जो दैवीय गुण है वो क्रोध अग्नि में सारे भस्म हो रहे हैं। तो वो क्रोध अग्नि जब तक माया का रूप बनी हुई है तब तक भस्म कर रहे हैं। लेकिन जब मैं समर्थी स्वरूप बनकर उस क्रोध अग्नि के रूप को परिवर्तित कर देती हूँ तो जो क्रोध अग्नि ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, वही क्रोध विकार परिवर्तित हो रूहानी जोश और रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। वही क्रोध का रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो वही जोश पहले भी ला रहा था, अभी भी जोश लाएगा, लेकिन पहले ईश्वरीय शक्ति को जला रहा था और अभी ईश्वरीय खुमारी को जगाएगा, हमारे नशे को जगाएगा, हमें ईश्वरीय पुरुषार्थ में तीव्र कराएगा। तो वही उसका रूप परिवर्तित करना है। क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में परिवर्तित हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। जो क्रोध अग्नि उसको परिवर्तित कर अपना ही शस्त्र बनाना है और वह शस्त्र फिर हमारी सहन शक्ति का शस्त्र बन जाएगा। यही क्रोध अग्नि योग अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी जो आपको नहीं जलाएगी लेकिन आप पापों को जलाएगी। इसी प्रकार लोभ विकार, थर्ड पॉइंट लिया, लोभ विकार दृष्टि रूप में अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में उपरांत स्थिति के स्वरूप में देहत की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। क्या कहा बाबा ने? रिपीट करते हैं, लोभ विकार दृष्टि रूप की अनासक्त वृत्ति को, जिसमें हमारे लोभ विकार दृष्टि रूप की अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में उपरांत स्थिति के स्वरूप में बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात क्या? अभी तक जो हम आसक्ति के पीछे हमारा लोभ था, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसी को ही परिवर्तित कर देगा कि लोभ है नहीं, मुझे ये नहीं चाहना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे इसमें नहीं फंसना, मुझे ये दृश्य नहीं देखना, उस चीज का लालच हो जाएगा। लालच हो जाएगा कि कैसे मैं इस चीज से अपना बचाव करूं, लालच हो जाएगा कितने समय में उपराम होकर परम धाम में रह पाऊं, वहां से खिंचाव होगा विश्व का, लेकिन नहीं मुझे तो यही आनंद आ रहा है, यही रहूंगा, इस चीज का लालच बढ़ने लग जाएगा। वैराग्य वृत्ति में लालच, मुझे और वैरागी बनना है, बड़े बड़े भाई बीवियों का एग्जाम्पल सामने आएगा और उस सम्मान मुझे अपने अंदर वैराग्य वृत्ति धारण करनी है। तो वह लोभ का रूप हमारे पुरुषार्थ को तीव्र बनने का रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लोभ खत्म हो जाएगा और सदा चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। जैसे आता है ना, नए नए ज्ञान में आते,
अभी मुझे भुजिया मिक्सचर खाने की खा लेती हूँ, लेकिन मुझे वो भी छोड़ने है, मुझे वो भी बनना है, वो भी करना है। ये सब भी एक लालच का शुद्ध स्वरूप है। लोग कुछ चाहिए नहीं कहेंगे, लेकिन चाहिए कहेंगे। लेना है नहीं, देना है यह परिवर्तित परिवर्तन हो जाएगा। यही लोग अनासक्त वृत्ति फल देने वाला दाता के स्वरूप की स्मृति स्वरूप में परिवर्तित परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार मोह, इसी प्रकार मोह विकार वार करने की बजाय स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। कल तक मोह किससे था? दुनिया के लोगों से मोह था, दुनिया की तरफ, अपने परिवार संबंधियों की तरफ मोह था, लेकिन अभी वो मोह का स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। बाबा से जो स्नेह है, उस स्नेह के रूप में परिवर्तित होकर बाप की याद और सेवा में परिवर्तित, उसमें हमारी सफलता दिलाने में परिवर्तित हो जाएगा। तो वही बाबा ने कहा, मोह विकार रूप करने के बजाय स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। स्नेह याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। ऐसे ही अहंकार, अहंकार जो बाबा के बच्चों का सबसे लास्ट बच्चे, जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, जो पुराने बच्चे, उनका सबसे भयंकर रूप अहंकार ही होता है, जो बाकी सब चीजों को पार करके अहंकार के पहाड़ से गिर जाते हैं। तो उस विकार को परिवर्तन करना है, उस अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमान बन जाएगा। स्वाभिमान चढ़ती कला का साधन है, देह अभिमान गिरती कला का साधन है। देह अभिमान परिवर्तित हो स्वाभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने से साधन बन जाएगा। इसी प्रकार यह विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी, आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। इन तीन स्मृतियों के आधार पर पांचों का परिवर्तन कर सकते हो। कैसे होगा परिवर्तन? परिवर्तन होगा तो तीनों की स्मृति रहेगी, और ये तीनों की स्मृतियां रहेगी तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये चीजों पर भी हमको फुल अटेंशन देना होगा। तो बाबा ने कहा, इन तीन स्मृतियों के आधार पर पांचों का परिवर्तन कर सकते हो। काम के रूप में आए शुभ भावना बन जाए, तब मायाजीत जगतजीत का टाइटल मिलेगा। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। जो राजा होगा वह साधारण प्रजा बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। वह जो राजा होगा वह साधारण प्रजा बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। यहाँ बाबा ने कहा माया के लिए, जो माया आज हमारे सिर पर राजा बनी हुई है, वो राजा को जब हम अपनी प्रजा बना देंगे तब कहा जाएगा विजयी कहलाया जाएगा। मंत्री होगा वह साधारण व्यक्ति बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। वैसे भी नियम है कि जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बनाकर रखते हैं, अर्थात गुलाम बनाकर रखते हैं। तो आप भी इन पांच विकारों के ऊपर विजयी बनते हो, आप इनको बंदी नहीं बनाओ। देखो, बंदी बनाया तो वेस्ट है, बेकार है, और जब गुलाम बनाकर सहयोगी बनाते हैं तो हमको फायदा होता है, हमारा काम भी निकलता है। तो बंदी बनाएंगे तो फिर ये अंदर उछलेंगे नहीं, बंदी बनाएंगे तो अंदर उछलेंगे तो क्या होगा, समय समय पर निकल कर भी आएंगे, वापस हमारे हमारे पुरुषार्थ में विघ्न स्वरूप बनेंगे। तो इसलिए क्या करना, उसे रखना साथ में परिवर्तन करके। लेकिन आप इन्हें परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो तो सदा आपको सलाम करते रहेंगे। विश्व परिवर्तन के पहले स्व परिवर्तन करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। सहज हो जाएगा। परिवर्तन करने की शक्ति सदा अपने साथ रखो। परिवर्तन शक्ति का महत्व तो बहुत बड़ा है।
अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करूं, यह फिर सुनाएंगे। ऐसे राजयोगी तिलकधारी, वरदान ले लेते हैं बाबा के। ऐसे राजयोगी तिलकधारी, भविष्य राज्य तिलकधारी, सदा मस्तक पर तीन स्मृति स्वरूप में समर्थ रहने वाले, माया को भी श्रेष्ठ शक्ति के रूप में सहयोगी बनाने वाले, ऐसे मायाजीत जगतजीत कहलाने वाले, सर्व शक्तियों को शस्त्र बनाने वाले, सदा शस्त्रधारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी को ऐसा बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी हम सभी का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया। ओम शांति। मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। अभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। संगम योगी राजयोगी को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। माया अविनाशी को विनाश नहीं बना न सके। जो रोज अमृत वेला स्त्री स्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारा दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। ओम शांति। ओम शांति। बोल सकती हूँ? हैंड रेज किया है। मेरा जी आवाज बोलिए। क्लियर है बहन जी? जी, बाबा बोले, वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष तीन स्मृतियों का यानी तीन बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है। तो आज बाबा ने समझाया उन तीन स्मृतियों के तिलक त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया है, जो देवता शंकर जी के हाथ में त्रिशूल बताते हैं। तो वो यादगार क्या है, वो बाबा ने समझाया आज। तो एक है स्वयं की स्मृति, दूसरी है बाप की स्मृति, और तीसरी है ड्रामा की नॉलेज की स्मृति। फिर बाबा कहते, इन तीन स्मृति से मायाजी जगजीत बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ये जो तीन स्मृतियों का जो तिलक है, इसको रोज अमृत वेले इस अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारे दिन इसे मिटाने की हिम्मत नहीं करेगी। बाबा ने कहा माया के जो पांच रूप हैं, जो पांच विकार हैं, उनके ये पांच ये परिवर्तन रूप में दिखाई देंगे। फिर बाबा ने पहले बोला था कि काम विकार जो है वो शुभ शुभकामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा। और फिर दूसरा बाबा ने बोला जो क्रोध विकार है वो रूहानी जोश व रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को भी बाबा बोलते होश दिलाने वाला बन जाएगा। और ये क्रोध विकार सहन शक्ति के रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा और ये अपना तुम्हारा बाबा बोलते शस्त्र बन जाएगा। और क्रोध अग्नि है ये योग अग्नि के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। फिर बाबा ने लोभ विकार के बारे में बोला
कि लोभ विकार जो है ये अनासक्त वृत्ति, उपरांत स्थिति और वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और चाहिए चाहिए के बदले मात्र अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। तो बोलते चाहिए के बदले जाइए और लेना के बदले देना हो जाएगा। फिर बाबा ने मोह विकार के बारे में बोला था कि ये स्नेह के रूप में बाबा की याद और सेवा में साथी बन जाएगा। और फिर अहंकार की बाबा ने बोला अहंकार के बारे में कि वो ये जो है आत्म देह अभिमानी के बदले स्वाभिमानी बना देगा। तो वह बोलते ये जो विकार हैं आपकी शेष शक्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। शांति। ओम शांति। आज बाप दादा अमृत वेले देख रहे हैं कि जैसे संगम के ऊपर तीनों तिलक बच्चों ने लगाया गया, तो जब बाबा ने देखा तो मैं आत्मा ने ये आज अमृत वेले योग किया है इस पर, तो ऐसा लगा कि ये तीन तिलक जब लगते हैं तो ये अंश मात्र भी विकार रह नहीं सकते हैं, तो परिवर्तन की स्थिति आ जाती है। ये अभ्यास भी किया है तो समय पर तीनों स्मृति साथ साथ और स्पष्ट रहे, इसमें अंतर हो जाता है। बाबा ने देखा है तो कोई बच्चे एक तिलकधारी, कोई दो, कोई तीन तिलकधारी, यानी निरंतर तीन स्मृति तिलकधारी, यानी अमित तिलकधारी अर्थात जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसे बाबा कह रहे हैं तो माया के पांच रूप पांच दासियों के रूप में हो जाएंगे। ये परिवर्तन होता है जो निरंतर रहता है, तो परिवर्तन रूप दिखाई देगा, तो विकारों का परिवर्तन रूप जैसे कि दीदी ने भी बोला है, ये तो कामे का शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। ये क्रोध अग्नि को योग अग्नि से रूप में परिवर्तन हो जाएगा, आपको नहीं जलाएगा लेकिन पापों का जलाएगा। लोभ विकार ट्रस्टी रूप की अनासक्त वृत्ति के उपरांत स्वरूप में बेहद ही वैराग्य वृत्ति दिखाई देगी। जैसे मोह का विकार वार करने के बजाय स्नेह के ओके स्वरूप में भी हो अभी जाएगा। ओम शांति। हाँ सभी ओम ना शांति। सिर्फ रीड नहीं करना है, आपको क्या समझाए ऐसे, देखो सभी पॉइंट्स है लेकिन सिर्फ इसको बोलना नहीं है, है ना, इसमें से आपने क्या समझा है इसको, है ना, लेना है कि गीता सिस्टर बोलिए ओम शांति दीदी। बोली, बाबा बहुत बोलो। सुंदर है, कौन से विकार क्या कन्वर्ट करना है, लेकिन हमने क्या लिया इसमें से, आपको क्या करना है ये आप बता सकते, बोलिए गीता सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा बोला যে বিশ্ব পরিবর্তন কে পয়লে স্ব পরিবর্তন করো, স্ব পরিবর্তন সে বিশ্ব পরিবর্তন সহজই জায়গা। পরিবর্তন করনে কে শক্তি সদা আপনে সাথ রাখো, পরিবর্তন শক্তি কা মহত্ব বহুত বড়ি হয়। ওম শান্তি। ओके रविदीप सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो अभी जैसे सिस्टर ने भी बताया, हमें हम आत्माओं को राजयोगी तिलकधारी बनना है, तो मुझे खुद को ये दृढ़ निश्चय कि मैं संगम योगी राजयोगी हूँ और तीन स्मृतियों से त्रिशूलधारी हूँ। तो जो संपूर्ण विजय की निशानी क्या है, वो है तीन बिंदी। निरंतर अविनाशी तिलकधारी मुझे बनना है। जैसे एक उदाहरण में कि पूरे वृक्ष का जो सार होता है वो बीज में समाया होता है, तो जो मुख्य है वो बीज है, माना बाप की स्मृति रहनी चाहिए। और फिर जो दो पत्ते आते हैं, एक है आत्मा की स्मृति और दूसरे ड्रामा की स्मृति। तो बाबा कह रहे हैं कि इन इन विकारों को हमें परिवर्तन करना है, ना कि बंदी बनाना है, क्योंकि अगर हम इन पे काबू, इनको बंदी बनाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर से उछल खा सकते हैं। तो मुझे इन विकारों को अपना सहयोगी बनाना है, और खासकर जो मुझ आत्मा को क्रोध विकार को सहन शक्ति के रूप में मुझे परिवर्तित करना ही है, ताकि जो क्रोध अग्नि से जो जोश आता है वो रूहानी जोश में परिवर्तित हो जाए। ओम शांति। जी नमिता साहू बहन बोली।
को बाबा ने इतनी सुंदर ओम मुरलियां रखी है ना, इसमें से कुछ ना कुछ लेना है। बोली ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तीन स्मृति स्वरूप अर्थात सर्वसमर्थ स्वरूप, जब हम स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो अविनाशी तिलकधारी बन जाते हैं। माया अविनाशी तिलकधारी बने तो अविनाशी तिलक है तीन बिंदी, तो यह तीन बिंदी हमेशा स्मृति में रहे तो हम तिलक धारण करते हैं। यह निश्चय होना है कि हम अविनाशी तिलकधारी हैं और हम अविनाशी तिलक को धारण करते रहते हैं। तो अविनाशी तिलकधारी हम संगम योगी राजयोगिया है, तो अधिकारी भी है। यह स्मृति में रोज अमृत वेले हम अपने में चेक करें तो सारा दिन माया उसको मिटा ना सकेगी। यह तो तीन स्मृतियां है, एक स्वयं की स्मृति माना मैं आत्मा हूँ, दूसरी है बाबा की स्मृति और तीसरी है ब्रह्मा के नॉलेज की स्मृति। इन तीन स्मृतियों में हम समर्थी बन जाते हैं। एक तो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है, यह स्मृति में रहे तो बाबा का साथ का भी हम अनुभव करेंगे करते रहते हैं, तो बाबा हमेशा हमारा स्मृति में रहता है। तो बाबा स्मृति में रहे तो सारे मुश्किलों को पार करने में हम समर्थ भी बन जाते। फिर ड्रामा का ज्ञान स्मृति में रहे तो क्या क्यों की क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जो कुछ हो रहा है वह ड्रामा में नोंद है, ड्रामा बनी बनाया हुआ है, और तो जो बीत गया उसमें फुल स्टॉप लगाना भी सहज होता है। तो बाबा ने कहा सदा स्मृति में यह रहे कि हम अविनाशी तिलकधारी हैं, तो यह तिलक की स्मृति हमको समर्थि स्वरूप बनाता है, तो माया के व्यर्थ स्वरूप हार मान जाता है। तो बाबा ने कहा रोज अमृत बड़े हम इस अविनाशी तिलक धारण करना माना बाबा के याद में रहेंगे तो दिन भर समर्थि अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलो दीदी, क्या आवाज आ रही है? हाँ जी, ओम आप शांति, शेयर बोल सकते दीदी? कर, हाँ जी आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मैंने थोड़ा मंथन चलाया तो थोड़ी पिछली मुरलियां भी मैं गो थ्रू कर रही थी, तो 1 सेकेंड लूंगी। 17 तारीख को बाबा ने मुरली चलाई थी, हंसों का भोजन ज्ञान रतन। तो हमें उसमें बाबा ने ज्ञानी ज्ञान के ऊपर फोकस किया। 19 को बाबा ने मुरली चलाई, सहज योग का साधन खुदाई खिदमतगार। उसमें बाबा ने हमको योग के साथ कैसे हमने सेवा करनी है उसका मदद किया। और 24 को जहान के रोशनदान बनने वाले महफिल योग, महफिल की योगी मतलब योग को, 19 को हमें खुदाई खिदमतगार बनाया मतलब सेवाधारी बनाया, और 24 को हमें योग युक्त बनाया, और 17 को हमें ज्ञान युक्त बनाया। आज बाबा हमें धारणा युक्त बनाने के लिए कह रहा है कि राजयोगी हो तुम, और तुम त्रिस्मृति में रहोगे, तीन की स्मृति में रहोगे तो विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हो। और वो तीन स्मृतियां सबने डिस्कस कर ली हैं, मैं स्मृति, बाबा स्मृति मतलब मैं आत्मा स्मृति, बाबा स्मृति और ड्रामा स्मृति। इसको बाबा ने झाड़ के साथ किया कि मतलब ज्ञान को भी साथ में लेते हो। बाबा जब भी मुरली चलाते हैं ज्ञान योग धारणा से चारों चलते हैं, लेकिन फोकस एक चीज पे होता है। तो उसमें बताया बीज जो है वो परमात्मा है, और जो दो बीज में दिखाते हैं मम्मा और बाबा का, वो आत्माओं का सिंबल है कि हम आत्मा। और तीसरा पूरा झाड़ जो है वो सृष्टि का, ऊपर तीनों को दिया और नीचे झाड़ के साथ उसको कंपेयर किया। और बाबा ने कहा कि अमृत वेले तुमने ये तीनों तिलक लगाने हैं, और तीनों तिलक लगाने के लिए धारणाएं क्या लिखनी है करनी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से विजय पानी है। विजय पाने के लिए बाबा ने एक एक शब्द याद कराया बस। ज्ञान पर काम पर विजय पाने के लिए तुम्हें शुभकामना देनी पड़ेगी सबको, जितनी शुभकामना दोगे कामनाएं खत्म होती जाएंगी। और आपको क्रोध अग्नि पर करने के लिए योग अग्नि जलानी पड़ेगी। आपको लोभ ट्रस्ट कर लोभ खत्म करने के लिए ट्रस्टी बन के अनासक्त वृत्ति लानी पड़ेगी। और मोह खत्म करने के लिए स्नेह में रहना पड़ेगा, सबको स्नेह देना पड़ेगा, सच्चा स्नेह देना होगा।
और अहंकार को खत्म करने के लिए स्वाभिमान, स्वमान की स्थिति में स्थित होना होगा। अगर ये धारणाएं हम सारा दिन अपनी स्मृति में रखेंगे तो राजयोगी बन जाएंगे और बाबा की श्रीमत पर चलने का तरीका हमें आ जाएगा। ओम शांति। साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। तो जैसे बाबा ने कहा कि रोज अमृत वेले अगर हम तीन स्मृति स्वरूप रखेंगे तो हम सर्व समर्थ स्वरूप हो जाएंगे और ये माया के पांच रूप और पांच दासियों के रूप में हो जाएंगे, विकारों का रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि तब फिर हम माया जीत बन जाएंगे और जगत जीत का टाइटल मिलेगा और जो हम विजयी बन जाएंगे और दुश्मन का रूप परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अभी हम पांच विकारों के अधीन है लेकिन फिर हम इन पांच विकारों को परिवर्तन करके हम उसके ऊपर विजय बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जो राजा होगा वह साधारण प्रजा बन जाएगा तब विजयी कहलाया जाएगा, तो मंत्री होगा वह साधारण व्यक्ति बन जाएगा तब विजयी कहलाएगा कहलाया जाएगा। वैसे नियम भी है, जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बनाकर रखते हैं। तो बाबा कहते हैं इनको बंदी नहीं बनाओ नहीं तो ये अंदर उछलेंगे, लेकिन आप इन्हें परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो। तो ये हमारे पांचों विकार हमको सलाम कराएंगे, हमारे सहयोगी स्वरूप बनाएंगे और बन जाएंगे, और विश्व परिवर्तन के पहले हमारा पहले स्व परिवर्तन होगा तब विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से रात तक इस परिवर्तन शक्ति को यूज करना है हमको। ओम शांति। गोपाल भाई क्या बोलिए। ओम शांति। आज बाबा की जो पूरी मुरली ये अगर उसको चित्र के रूप में अंकित करें तो एक जो चित्र सामने आता है वो आता है शंकर का स्वरूप। शंकर जो शस्त्र दिखाते हैं वो जो हमें यादगार दिलाते हैं हमारे तपस्वी स्वरूप का, तपस्वी माना जिसके तीनों ही स्वरूप अपने याद है, बाबा जो तीन बिन्नियों की बात कह रहे हैं वो हमें याद रहेगा। शंकर स्वरूप को दिखाते हैं आंख खुली तो कहाँ विकार भस्म हुआ, और ये भी दिखाते हैं कि उनकी आंखें पूरी खुली नहीं होती है, अर्ध खुली होती है, वो उनकी अंतर्मुखता का जो तपस्वी जीवन का वो प्रतीक है। तो बाबा ने बहुत सारे यहाँ अलग अलग चीजें बताए हैं, अगर एक चीज को उसको याद रखेंगे तो शंकर स्वरूप को जैसे सामने लाएंगे तो सारे ही विकार कैसे परिवर्तित हुए हैं, देह अभिमान कैसे, उनकी वस्त्र वेशभूषा कैसी है, किस पर वे बैठे हैं, तो वो सभी चीजें हमें वो परिवर्तन रूप है वो हमें उसमें हेल्प कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी ने बहुत सुंदर मनन चिंतन किया, अभी टाइम हो गया है तो पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का आंसर दे सकेंगे। जी ललिता बहन आप होमवर्क और योग करा सकते हैं। ओम शांति। होमवर्क तो सारे ने खुदी ने बोल दिया है, तो आज दिन भर हम सबको सबसे पहले तो आत्मिक स्थिति में रह के बाप ब्रह्मा के राज को जानते हुए और बाबा की याद में रहना है। तो जब ये कार्य करते हमारे मन में कोई भी बात आए तो तुरंत आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, और ये मेन चीज जब हमारे साथ हम कोई बड़ा काम में बिजी हो जाते हैं लंबे समय के, तो उस समय आत्मिक स्थिति नहीं ठहरती है,
उस समय अपने को पज करें थोड़ी देर के लिए, और खड़े खड़े ही कर लें, खड़े खड़े स्वयं को आत्मा देखें 1 मिनट के लिए निरंतर, और वो देखने के बाद फिर काम में लगे, तो वो स्मृति स्वरूप बार बार करते रहने से बनी रहेगी। तो आज पूरी कोशिश करना, सबसे पहले तो मुझे मेरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है पूरे दिन भर, और चेक करना है कितने समय तक मैं रहा लास्ट में। जी ठीक है, तो हम योग की तरफ चलते हैं। बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाते हैं, शरीर की सारी हलचल समाप्त, मनन चिंतन के पॉइंट्स को भी साइड में रखते हुए पूरा ध्यान स्वयं पर। दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी तट पर विराजमान अति तेजस्वी ज्योति, मैं आत्मा हूं। मेरा पूरा ध्यान मुझ पर है, और स्वयं को देखते हुए मैं स्वयं की चेकिंग कर रही हूं कि मोटे रूप से तो सारे विकारों को छोड़ दिया, लेकिन जो विकार सोने के जंजीर के रूप में मुझे जकड़े हुए हैं, अंश मात्र भी जो विकार मेरे अंदर है, मैं उसकी चेकिंग कर रही हूं। स्मृति में लाए क्या है जो मुझे परेशान करता है, क्या मुझे रोब आ जाता है, या मुझे कुछ खाने पीने या घूमने फिरने का भी लालच होता है। गहराई से स्वयं की चेकिंग करते हैं और देख रही हूं माया के उस रूप को। एक तरफ मेरे दाहिने हाथ की तरफ माया का वो रूप खड़ा है, और दूसरी तरफ निराकार शिव परमात्मा को अनुभव कर रही हूं। बाबा से आती हुई तेज किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, सारी किरणों को स्वयं में समाते जाते हैं, और उन शक्तिशाली किरणों को माया के उस रूप में बरसाने लग जाते हैं। जैसे जैसे यह परमात्मा शक्तियां मुझसे आते हुए इन माया के रूपों पर पड़ती है, मानो इनका रूप परिवर्तित हो रहा है। ये बिल्कुल बदल रहे हैं, और देख रही हूं माया का यह रूप एक आसन बन जाता है, और मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर के द्वारा उस आसन पर विराजमान होकर सूक्ष्म वतन की ओर चले जाती हूँ। 1 सेकंड में अनुभव करें स्वयं को सूक्ष्म वतन में, माया को अपना आसन बनाए हुए, उस पर राज करती हुई मैं फरिश्ता स्वरूप आत्मा बाप दादा के सम्मुख पहुंच जाती हूँ, और स्वराज्य पर विजय करने वाली मुझ आत्मा को बाबा तिलक लगा रहे हैं। जैसे ही बाबा के चमकीले हाथ मेरे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, मानो 3 बिंदियों का त्रिशूल का तिलक मुझ पर लग जाता है, स्वयं की स्मृति में रहने वाली, ड्रामा के राज को जानने वाली, सदा पाप की स्मृति का तिलक लगाए हुए मैं वापस अपने स्थूल शरीर में लौट आती हूँ। ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। ओम शांति दीजिए। शांति, शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति।